हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थर्टीस रेसिपी। फ्रेंड्स, ठंडियों में पत्ता भाजी बहुत ही अच्छी मिलती है, तो यही पत्ता भाजी यूज़ करके आज हम एक रेसिपी बनाते हैं जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं पालक। तो आज हम बनाते हैं दाल पालक, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग ऐसी दाल पालक जिसे हम गर्मा गर्म राइस के साथ परोसेंगे। तो आइए बनाते हैं दाल पालक। दाल पालक की रेसिपी में दाल और पालक तो ज़रूरी है, इसीलिए मैंने लंबा लंबा पतला कट करके पालक लिया है। अराउंड 100 ग्राम जितना पालक होगा। पालक के पत्ते को अच्छे से धो के फिर उसे कट कर लिया है, और एक्सेस पानी जो है वो निकालने के लिए मैंने इसे छन्नी में रख दिया है। उसके साथ हमें यूज़ करना है दाल। तो ये दाल मैंने बॉईल करके रखी है, इसके अंदर मैंने लिया है 1 कप तुअर दाल और 1 कप मूंग दाल। बिना छिलके वाला मूंग दाल यूज़ करना है और 1 कप तुअर दाल, जिसे बॉईल करने के लिए मैंने लिया था आधा चम्मच जितना नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच जितना, और 1/4 चम्मच जितना हींग। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके इसे मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमें दाल को एकदम ही मैश कर देना है, और इसका कंसिस्टेंसी हमें गाढ़ा ही रखना है, एकदम पतला हमें दाल नहीं रखना है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ हमें दाल बॉईल करना है। उसके साथ लेना है छोटा सा कटा हुआ टमाटर, आधा कप जितना टमाटर हमें लेना है, और मैंने लिया है ग्रीन पत्ता कांदा अराउंड 1 कप जितना, छोटा बारीक कटा हुआ पत्ता कांदा लेना है, और 6 से 8 कली लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके साथ सूखे मसाले हैं धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तड़के के लिए जीरा, और टेम्पटिंग के लिए नमक। एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून जितना ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसे हम गरम होने देंगे। गरम होने के बाद इसके अंदर हम जीरा ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होता है उसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से फूटने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन, जैसे ही लहसुन हल्का सा लाल होने लगता है तभी ऐड कर देंगे हम पत्ता कांदा। पत्ता कांदा जैसे ही सॉफ्ट होने लगता है उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। फ्रेंड्स, आप पत्ता कांदा की जगह नॉर्मल सूखा वाला कांदा भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने की शुरुआत हो गई है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से कुक होने देंगे, सॉफ्ट होने देंगे। और फिर टमाटर और कांदा जब भी कुक होता है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। हम एक छोटा चम्मच नमक ऐड करते हैं। हमने दाल में ऐड किया हुआ है नमक, फिर भी हम ये वेजिटेबल्स के हिस्से का नमक अभी हम ऐड करते हैं। हमारा ऑनियन और टमाटर एक साथ कुक होता है तभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले, सूखे मसाले, जिसके अंदर 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। हमें हल्दी पाउडर ज़्यादा डालना नहीं है क्योंकि दाल में भी हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर आपके टेस्ट के हिसाब से अराउंड मैंने 2 चम्मच जितना डाला है, और 2 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर।
अच्छे से मिक्स करके हमें टमाटर और ऑनियन के साथ ही मसाले को भी भून लेना है, ताकि उसका जो टेस्ट है और भुना हुआ मसाला जो है वो दाल के अंदर अच्छे से मिल जाएगा और उसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं एकदम ही सॉफ्ट टमाटर और ऑनियन के साथ सारा मसाला भी भुन गया है, ऑयल जो है वो भी रिलीज हो गया है। अभी हम ऐड करते हैं दाल। फ्रेंड्स, हमें दाल की जो है कंसिस्टेंसी वो अभी थिक ही रखनी है, बिकॉज इसके अंदर हम जब भी पालक ऐड करेंगे तो पालक जो है वो पानी बहुत ही छोड़ेगा, तो उसका पानी भी हम दाल में ही आ जाएगा, इसीलिए हमें दाल को अभी थिक ही रखना है। जैसे ही हमने दाल ऐड कर दी है, सारा मिक्स कर लिया है मसाले के साथ, तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम पालक भी। पालक है वो एकदम ही सॉफ्ट हो जाए और एकदम ही कुक हो जाए दाल के साथ, तब तक हमें इसे उबालना है। तो इसे आप ढक के एक बार अच्छे से उबालने दीजिए और पालक को जो है वो कुक होने दीजिए। धीमी आंच पर अराउंड 4 से 5 मिनट तक हमने कुक होने दिया है और बस अभी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पालक भी एकदम अच्छे से कुक हो गया है, उसने अपना कलर जो है वो भी चेंज हो गया उसका, और उसका पानी जो है वो पूरा दाल में घुल गया है और दाल भी अच्छे से पतली हो गई है। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, और अगर आपको लगता है कि और पतली कंसिस्टेंसी वाली दाल चाहिए तो ये टाइम पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी दाल पालक। तो फ्रेंड्स, अभी गैस को टर्न ऑफ करती हूँ और गर्मा गर्म राइस के साथ मैं सर्व करती हूँ दाल पालक। राइस को मैंने अच्छे से रिंग शेप में डाल दिया है और साथ ही मैं परोसती हूँ दाल पालक। जिसके घर में बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो वो ऐसे प्रेजेंट किया हुआ दाल और पालक जो है वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही अपने आप खाएंगे बच्चे भी, तो ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं हमारी दाल पालक वाली, बहुत ही मज़ा आएगा ये खाने का, टेम्पटिंग है बिल्कुल भी। इसके अंदर हमने गरम मसाला वगैरह यूज़ नहीं किया है ताकि बच्चे जो है वो इजीली इसे खा सकें, और बहुत ही हेल्दी है बिकॉज इसके अंदर हमने यूज़ किया है पालक, और पालक का जो पानी है वो भी हमने वेस्ट नहीं किया है। पालक का पानी पूरा ही दाल के अंदर घुल के, और दाल का अपना न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इतना ही अच्छा है, मूंग दाल और तुअर दाल हमने यूज़ की है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखते रहिए मेरा चैनल दर्दिस रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।